How are you all? Hope you all are fine. And now today we will learn class 6 subject SST Civics lesson 5 Panchayati Raj part 2. Panchayati Raj part 2. आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम का part 2. Children, in first video we learned about the introduction of Panchayati Raj. Means what is Panchayati Raj? Panchayati Raj system was first introduced in India in April 1993 and Nagaur, Rajasthan is the first place where election held for Panchayati Raj. Second, we learnt about the level of Panchayati Raj. There are three levels of Panchayati Raj. ठीक है? Panchayati Raj की तीन level village panchayat, block samiti and jila parishad. Third, we learnt and we know about the village panchayat and gram sabha. In this video, we will try to understand about the works of village panchayat. Means, what is the works of village panchayat? Second concept is income source of village panchayat. What are the income source of village panchayat? And we also try to understand about the village secretary. In this lesson, we also try to understand about the village secretary. So let's start the lesson from the book. So children, today we will read and try to understand about the work of Gram Panchayat and income source of village panchayat. Today we will read the work of Gram Panchayat and income source of village panchayat. The work of a Gram Panchayat includes, means Gram Panchayat जो होती है उसके क्या क्या काम होते हैं. The construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings and other common property resources. Means जो Gram Panchayat होता है उसका काम होता है कि construction, निर्माण करना, maintenance करना of water sources, जो water के जो sources है जैसे pond हैं वहाँ पे, ठीक है, या headpump वगैरह हैं, उनको maintain करना, उनका construction करना अगर गांव में कहीं उसकी need है, roads की need है, अगर कहीं पे drainage, means नालियों का जो सिस्टम है, जो वेस्ट जो वाटर है उसको कैसे गांव से बाहर ले जाया जाए या कैसे उसको इस तरह से रखा जाए कि गांव में कोई गंदगी उससे ना फैले. स्कूल बिल्डिंग्स, कहाँ पे स्कूल बिल्डिंग्स बननी है. एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और जो अदर कॉमन प्रॉपर्टी है जैसे कहाँ पे कोई गरीब है तो उसके लिए घर बनाना है, या इस टाइप्स के जो रिसोर्सेज अदर जो कॉमन प्रॉपर्टी का रिसोर्सेज होता है वो सब भी किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है इन सब चीज़ों को देखना. लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो लेना भी किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है. एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो गांव में क्या करें रोजगार लाती हैं, उन स्कीम्स को गांव के सामने रखना है. ठीक है, जैसे एज वी नो नरेगा, मनरेगा, ये जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती है जिससे गांव में लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलते हैं, तो इनके इनको इन स्कीम्स को गांव में लाना, लोगों के सामने उसको रखना और लोगों गांव के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करवाना ताकि उनको क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मिल सके. तो इस तरह से हम जानेंगे कि नरेगा और आपकी एक होती है मनरेगा, ये दो हमारी क्या होती है, ये दो स्कीम्स होती है जो गवर्नमेंट चलाती है कहाँ, गांव में. द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. सेकेंड जो स्कीम है जो हम गाँव में सुनते हैं मनरेगा, सेकेंड जो स्कीम है जो हम गांव में सुनते हैं जिसके थ्रू जो विलेज के जो सिटीजन्स होते हैं उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, वो है आपकी मनरेगा. मनरेगा, द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो ये जो दो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है गाँव में एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, मीन्स पंचायत के पास कहाँ से पैसा आता है ताकि वो गांव में काम करा सके, तो कहाँ से उनके पास पैसा आता है, फंड्स आते हैं ताकि वो गांव में कुछ भी काम करा सके. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑफ ऑन हाउसेस मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा, सबसे पहले उनके पास जो आता है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जो कर लिया जाता है हाउसेस से, मतलब हाउस टैक्स जो लिया जाता है, मार्केट प्लेस टैक्स लिया जाता है, उससे भी जो पंचायत है उसके पास मनी कलेक्ट हो जाता है. गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट,
ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी उनको क्या मिलता है, फंड्स मिलता है स्कीम से थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, और कुछ उनको जनपद से भी मिलता है ब्लॉक लेवल से, और जिला पंचायत से भी उन्हें विलेज पंचायत के लिए क्या मिलते हैं, फंड्स मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, सेकेंड वन। थर्ड वन इज़ डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिटी समुदाय के वर्क्स के डोनेशन से भी उनको क्या मिल जाता है, फंड्स मिल जाता है, जिससे वो गाँव के कामों के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन, हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ टू विलेज पंच। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पिक्चर है टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र की, हु वर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। ये जो टू विलेज पंच हैं महाराष्ट्र के हैं, जिनको अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में, क्योंकि इन्होंने अपने जो इनकी ग्राम पंचायत थी उसके लिए क्या किया, इन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया अपने ग्राम पंचायत के लिए, इसलिए इनको यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा इनको क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, निर्मल ग्राम पुरस्कार अवार्ड। सो चिल्ड्रन, लाइक दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राम सभा, विलेज पंचायत, लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम्स एंड वर्क्स ऑफ विलेज पंचायत, इनकम सोर्स ऑफ विलेज पंचायत एंड विलेज सेक्रेटरी। होप दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। थैंक यू।